नमस्कार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हुए हमले की अब जांच का तेज हो गया। लगातार आदेश और एक के बाद एक यहां कार्रवाई शुरू हो गई है। क्या है बड़ी खबर, विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है आजम खान को लेकर के। शिवपाल सिंह यादव के साथ आजम खान जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से बोचहा विधानसभा सीट पर अपने जीत का हुंकार भर दिया है। बिहार के हुए एक उपचुनाव की सीट पर बड़ा दावा। जी हां, महंगाई के मुद्दों पर राहुल गांधी का घेराव। राहुल गांधी ने कहा भारतीय जनता पार्टी महंगी कर रही है सामानों को। इसके साथ बता दें कि चार्जिंग वाली अगर व्हीकल आपको भी खरीदना है तो सरकार के द्वारा दिया जाएगा अब सब्सिडी। जान ले बड़ी खबर। इसके साथ दोस्तों आज से घर बनाने का मटेरियल महंगा हो गया है। रड की बात करें, सीमेंट की बात करें, गिट्टी की बात करें तो यहाँ तमाम चीज़ें महंगी होती हुई नजर आ रही हैं। ओवैसी को लेकर के आने वाले मुख्य समाचार के बारे में विस्तार से बताएंगे। ओवैसी ने गुजरात में आज सरकार को घेर लिया है। इसके साथ साथ दोस्तों सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर से शादी के जी हाँ मौसम आने के बाद में बढ़ने लगा सोने की कीमत। बड़ी खबर सामने निकल कर आई। इसके साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लेकर के मुख्य और बड़ी समाचार सामने आ रही है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू संग्रहालय का नाम चेंज कर दिया है। इसके साथ दोस्तों आपको बता दें कि एक बार फिर से मुकेश अंबानी से अमीर बन गए हैं अडानी। अडानी मुकेश अंबानी से आगे निकल गए। आपको बड़ी खबर विस्तार से बताएंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस साल का पहला सूर्य ग्रहण इस दिन को लगने जा रहा है। जानिए मुख्य समाचार। ब्लैकआउट होने से पहले लोगों को लग सकता है झटका। महंगी होगी बिजली और साथ ही साथ महंगा होगा ईंट का कीमत। इसके साथ चिराग पासवान ने जय भीम का नारा लगाया और कहा जनादेश का उल्लंघन कर सरकार ने सत्ता में काबिज हुई। जहां चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें आम आदमी पार्टी ने बढ़ाई। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा दावा। सभी खबरों को विस्तार से बताएंगे दोस्तों। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और नीचे देगा लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों सबसे बड़ी खबर की शुरुआत, जिस तरीके से एक के बाद एक कुछ दिनों के अंदर नीतीश कुमार पर हमले हुए हैं, इस हमले की निंदा हम भी करते हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठने वाले मुख्यमंत्री के कुर्सी को संभालने वाले नीतीश कुमार पर अगर ऐसे हमले हुए तो इसका मुख्य कारण क्या रहा, इसके पीछे का वजह क्या रहा, इसके वजह और साथ ही साथ की जांच का आदेश सरकार को देना चाहिए। लेकिन अब इस मामलों में जिस युवक की गिरफ्तारी हुई है, अब उस युवक से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। आखिरकार नीतीश कुमार के घर के अंदर बम ब्लास्ट क्यों किया गया, आखिरकार नीतीश कुमार के पास जिस तरीके से पटाखा फोड़ा गया वो क्यों हुआ, इन सभी चीजों का जवाब तो सरकार को देना ही पड़ेगा। अब सरकार लगातार इस दबाव में पड़ी हुई है और अधिकारियों पर भी इस बात का दबाव बन रहा है कि वह नीतीश कुमार पर हुए छोटे बड़े सभी हमलों को जांच करें कि नीतीश कुमार के पीछे क्या कोई ऐसे असामाजिक तत्व पड़े हुए हैं जो नीतीश कुमार को देखना नहीं चाहते। इन सभी चीजों पर जांच का आदेश बनना चाहिए था। बड़ी खबर, लगातार WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कई बड़े और महत्वपूर्ण दावे तो किए हैं, लेकिन इसके साथ ही बड़ा खबर निकलकर सामने आ रहा है। जहां कोरोना का रफ्तार देश के अंदर कम हुआ तो उसके बाद में अब कोरोना का रफ्तार बढ़ रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात के पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर सतर्कता नहीं बढ़ता गया तो देश में कोरोना की दूसरी लहर आने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि दोस्तों कोरोना की इस बार रफ्तार अगर बढ़ी तो कई बड़े और चीज़ों पर प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ आम जनता और आम जन का प्राण जो है वो काफी चिंतित हो जाएगा, क्योंकि बूस्टर डोज कोरोना के एक डोज, दो डोज, तीसरे डोज की भी तैयारी शुरू हो रही है, लेकिन कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है और यह चिंता बढ़ता जा रहा है। दोस्तों घरों से बाहर जब भी निकले मास्क, सैनिटाइजर और इन सभी चीजों का इस्तेमाल करें। मई जून के महीनों में अक्सर देखा जाता है कोरोना की बढ़ोतरी और एक बार फिर से इसके संकेत मिलने शुरू हुए हैं जो कहीं ना कहीं सरकार को चिंता में डाल सकते हैं। बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है इस वक्त की। दोस्तों आइए बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब भी शिक्षा व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव किया जाता है, एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई बदलाव ही क्यों ना हो, सरकारें इस बात को श्रेय में लेने लगती है। लेकिन सरकारों को कभी भी ये नहीं लगता कि उनके विधायक के बच्चे, उनके घर के बच्चे क्या सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करते हैं क्या। इस बात को लेकर के हम इसलिए सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक कई बड़े और महत्वपूर्ण स्कूलों के अंदर शिक्षा व्यवस्था की गड़बड़ाती तलमलाती
स्थितियों को देखते हुए अब सरकार पर सवाल उठता है। लेकिन वहीं दिल्ली सरकार इस बात की ढोल पीट रही है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 70 सालों में विपक्षियों ने जो नहीं किया, हमने 7 सालों में शिक्षा की दृष्टि में वो कार्यों को किया है। 7 सालों के अंदर हमने शिक्षा विभाग को सुधारा है, संवारा है। इन सभी चीज़ों को लेकर के अरविंद केजरीवाल लगातार बोलते हुए नजर आ रहे, लेकिन कभी भी कोई ये नहीं कहता कि क्या उनकी ये जिम्मेवारियां नहीं थी, क्या आपने कोई अलग जिम्मेवारियां ली थी। बड़ी खबर सामने आई दोस्तों, एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त मुख्य समाचार, जहां बिहार में जबरदस्त बारिश के आसार दिखने लगे हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी अपडेट के अनुसार फसलों की कटाई समय पर जरूर कर लें, अन्यथा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फसलों की कटाई अगर आप समय पर नहीं करते हैं तो आपको भारी परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है। आ रही बड़ी रिपोर्ट के अनुसार मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क किया है और इसके साथ जहां फसलों की कटाई की बात कही है। दरअसल दोस्तों, इस बार जबरदस्त झमदार बारिश आने की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं, जो काफ़ी ज़्यादा चिंतित में लोगों को डाल सकते हैं। इसीलिए लोगों से इस बात की अपील की जा रही है कि जब भी घरों से बाहर निकलें तो पानी के बोतलों का इस्तेमाल करें, क्योंकि गर्मी का मौसम है और इसमें ग्लूकोज का सेवन अवश्य करें। इसके साथ साथ झमदार बारिश आने की जो उम्मीदें हैं, इससे मौसम में चिलचिलाती गर्मियों से राहत भी मिल सकेगी। तो गर्मियों से राहत मिलने के लिए एक अच्छा समय जो है वो आने वाला है, लेकिन किसानों के लिए चिंता भरा है। इसमें फसलों की कटाई समय पर अगर नहीं हुई तो फसल बर्बाद भी हो सकते हैं। समय पर जरूर कटाई कर ले दोस्तों, फसलों की बड़ी खबर। दोस्तों आइए बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, राहुल गांधी ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से सवाल पूछा है महंगाई को लेकर के। सवाल पूछा गया है, कि देश के अंदर क्या महंगाई का मुद्दा जो छाया हुआ है, इस पर सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या सरकार को इन बातों से कोई असर नहीं पड़ता? क्या लगातार देश में जिस तरीके से महंगाई के स्तर को एक के बाद एक बढ़ाया जा रहा है, ये सरकार की बढ़ोतरी नहीं है? इन सभी चीज़ों पर सवाल तो खड़े होते ही हैं, लेकिन अब बड़ी खबर इस बात को लेकर के है कि आखिर कब जो है वो महंगाई को कंट्रोल करेगी सरकार। दोस्तों आइए बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त की अशुद्दीन ओवैसी ने मध्य प्रदेश के बाद में अब गुजरात का रुख कर लिया है। गुजरात में आपको बता दें कि ओवैसी पहुंचे हुए हैं और ओवैसी ने बड़ा ऐलान किया है। ओवैसी ने सरकार से सवाल पूछा है और सरकार से सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा है कि आखिरकार जो दंगे हो रहे हैं, जो फसाद हो रहा है, वह किसके कारण हो रहा है और सरकार की इस पर पहली प्राथमिकता क्यों नहीं है? सरकार ने अगर इस पर ध्यान देना शुरू नहीं किया तो आने वाले वक्त के लिए ये काफ़ी ज़्यादा समाज में एक दृढ़ दृष्टि से देख लायक हो जाएगा, जो हमें आज ही कंट्रोल करने जैसा चीजें होनी चाहिए थी। दोस्तों ये बड़ी खबर क्यों बढ़ते हैं। रड की कीमत हो, सीमेंट की कीमत हो, अब एसीसी सीमेंट बनाने वाली कंपनी ने अपने बोरिया बिस्तरा आपको बता दें कि भारत से समेटना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही उसकी बिक्री की भी सामने चीज़ें आ रही है, क्योंकि देश के अंदर महंगाई के बढ़ने के सिलसिलाओं के साथ बिल्डिंग बनाने वाले मटेरियल की कीमत बढ़ने लगी है। इसके साथ लोगों की परेशानियाँ भी बढ़ रही है। तो जब भी दोस्तों आपको बता दें कि बिल्डिंग बना रहे हैं दोस्त, तो आप इसके बारे में अवश्य जानकारी ले लें कि बिल्डिंग मटेरियल की कीमत क्या है। दोस्तों आइए बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से आईपीएल में बैन हो सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि रोहित शर्मा स्लो मोशन, इसके साथ कई चीज़ों को लेकर के 30 लाख तक का आपको बता दें भरना पड़ सकता है और एक मैच के लिए उन्हें बैन किया जा सकता है। इसमें चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं, हालाँकि इससे कैसे निपटते हैं जी हाँ रोहित शर्मा, ये देखने वाली बात होगी। आइए दोस्तों एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक बड़ी खबर आ रही है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू संग्रहालय का नाम आज बदल दिया। इसके साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भीमराव अंबेडकर को याद किया और प्रधानमंत्री ने उनके बारे में उल्लेख किया। कहा कि अंतिम पड़ाव पर जो हमारे व्यक्ति हैं, भाई हैं, उनके लिए आवाज़ बनने के लिए काम किया भीमराव अंबेडकर ने, उनको हम सलाम करते हैं। बड़ी खबर दोस्तों ये बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं इस वक्त की। जी आपको बता दें कि लगातार आ रही बड़ी खबर के अनुसार अब मुकेश अंबानी से आगे अडानी निकल गए हैं। अडानी के आगे निकलने के साथ ही उनके ग्रीन प्रोजेक्ट समेत कई चीज़ें सामने आई हैं। आपकी जानकारी के लिए बताएं दोस्तों कि मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के तौर पर जाने जाते थे, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है, लेकिन अब अडानी ग्रुप जो है वो आगे निकल गया है।
आइए दोस्तों, बिजली विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों से आ रही बड़ी खबर के अनुसार 1,00,000 तक के बड़े रुपए को ना चुकाने वाले लोगों पर अब सरकार का कार्रवाई करने का दिशा निर्देश जारी हो गया है। सरकार के द्वारा लिस्ट को बना लिया गया है। अब इस लिस्ट को तैयार किए जाने के बाद में एक के बाद एक कार्रवाई करने का दिशा निर्देश दिया गया है। जब भी दोस्तों आपको बिजली चलाना है तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि बिजली का बिल समय पर अवश्य भरें, जिससे आपकी देश के आर्थिक व्यवस्थाओं के साथ आप जो है वो सुरक्षित रहें। बिजली के कटौती का अब सामना आपको करना पड़ सकता है अगर आपने बकाया बिजली बिल रखा है तो। दोस्तों बने रहें आप हमारे साथ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।